हल्का हलचल का, जहां पर रोजाना हम आपको आपके हलके में लाइव लिए जाते हैं। और आज दिन भर क्या कुछ खास गतिविधियां रहने वाली हैं उसके बारे में जानकारी साझा करते हैं। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता गुंजन जोशी गुरुग्राम से जुड़ी हुई हैं और फरीदाबाद से मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मोनू आपके पास आना चाहूंगी, आज दिन भर क्या कुछ हलचल रहने वाली है फरीदाबाद में? अदिति भाई, मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद की बात की जाए तो सबसे पहले हम कोरोना की जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार जो है कोरोना में जो 24 घंटे हैं उसमें 24 घंटे के अंदर जो है 44 मामले जो है वो नए सामने आए हैं। तो वहीं एक्टिव केसों की बात की जाए तो 266 जो है वो एक्टिव मामले हैं। तो 4 लोगों को जो है हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। तो जो टोटल जो होम क्वारंटाइन जो किए गए हैं वो 262 मरीजों को जो है होम क्वारंटाइन किया गया है। तो कहीं जो 40 कोरोना जो पेशेंट है वो कोरोना को मात देते हुए वो ठीक हुए हैं। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना की जो लगातार केस जो बढ़ते जा रहे हैं उसको केसों को बढ़ते हुए ये बिल्कुल सामने जो नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं लगातार जो कोरोना के पेशेंट है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो जो स्वास्थ्य विभाग की जो चिंता है वो बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो मॉकड्रिल जो किया गया था, लगातार 2 दिन का मॉकड्रिल है और लगातार हर हॉस्पिटल में जो व्यवस्थाओं का जो है जायजा लिया जा रहा है कि अगर किसी तरीके से ये कोरोना का जो मामला है, महामारी फैलती है तो किस तरीके से निपटा जाए। तो यहाँ पर जो है लगातार हॉस्पिटलों की जांच जो है वो की जा रही है। वहीं राजनीति की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, राजनीति में जो है एक लोकतंत्र बचाओ मशाल जलूस जो है यहाँ पर निकाला गया। जिस तरीके से बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से तो कहीं ना कहीं उस मशाल जो जलूस था उसमें लगातार जो दीपेंद्र हुड्डा है और उदय भान है वो लगा जो है उस हादसे से बच गए, क्योंकि मशाल जो रैली निकल रही थी तो उस मशाल में जो है मशाल जो हाथ से छूट गई और वो जो है दीपेंद्र और उदय भान पे जा गिरी। तो इस तरीके से वहां पर भी इस तरीके की जो चर्चाएं हैं वो यहाँ पर जोर पकड़ रही है कि लगातार जिस तरीके से जो यात्रा मशाल यात्रा निकाली गई तो उसमें कहीं ना कहीं घटनाएं बहुत बड़ी हो सकती थी। वहीं बात की जाए तो कानून व्यवस्थाओं को लेकर के व्यवस्थाएं जो है लगातार जो है ट्रैफिक के नियमों को कानून को देखते हुए लगातार यहाँ पर सख्त से सख्त जो है चालान काटे जा रहे हैं और लगातार जो अवैध तरीके से जो सवारियां या टू व्हीलर जो थे बगैर हेलमेट के जो है उनको लेकर के यहाँ पर सख्त रुख अपनाया जा रहा है। वहीं मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग जो है लगातार मौसम की जो इस समय फरीदाबाद की जो मौसम की हालात है वो भी कुछ सही है, क्योंकि लगातार तेज धूप जो है निकल रही है और लगातार जो किसान है वो अपने खेतों में काम कर पा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। गुंजन आपका रुख करूंगी, आज गुरुग्राम में दिन भर क्या कुछ हलचल रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए रतिका, आज जिस तरह से नगर निगम चुनाव अब आने वाले हैं और देखिए निगम चुनावों को लेकर पहले कहा गया था कि चुनाव टल सकते हैं, हालांकि अभी तक देखिए किसी बात की पुष्टि नहीं की गई है कि चुनाव कब होंगे, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावों की तैयारियों में जिस तरह से जुटी हैं उसे देखते हुए ये साफ लग रहा है कि जल्द से जल्द जो है अब निगम चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि देखिए निगम चुनावों को लेकर तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन अगर मैं बात पार्टियों की करूं तो सभी पार्टियां चुनावों की तैयारियों में जुट चुकी हैं। कांग्रेस लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, अपनी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में वो यात्राएं निकाल रही है और लोगों को अपने कैंपेन में जोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। साथ ही देखिए भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो लगातार जो है बैठकें ली जा रही हैं, ओम प्रकाश धनखड़ भी बैठक ले चुके हैं और आज भी देखिए एक बैठक होगी जिसमें देखिए जितनी भी गुरुग्राम के लोग हैं उन सबको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा और निगम चुनावों में क्या एजेंडे भारतीय जनता पार्टी इस बार किन एजेंडों के साथ उतरेगी वो एजेंडे निर्धारित किए जाएंगे और उन्हीं एजेंडों के तहत लोगों के बीच जाकर लोगों से वोट की अपील की जाएगी। साथ ही साथ देखिए लगातार कोरोना के केसेस जिस तरह से अब बढ़ रहे हैं वो देखिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बन रहे हैं। हालांकि देखिए मॉकड्रिल कोरोना को देखते हुए की गई है और गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने बीते दिन ये मॉकड्रिल की और गुरुग्राम के अलग अलग जगहों पर इस मॉकड्रिल को किया गया, लेकिन देखिए जिस तरह से अब लगातार कोरोना की मैं बात करूं तो लगातार केसेस इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि गुरुग्राम साइबर सिटी है और दूसरे शहरों से यहाँ लोग आते हैं कमाने के लिए, पढ़ाई के लिए। तो ऐसे में देखिए अब लगातार जो है कोरोना एक सिर दर्द जो है स्वास्थ्य विभाग के लिए वो बनता जा रहा है, हम ये कह सकते हैं। लगातार देखिए चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो तो अलग अलग जगह वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए हैं, कोविड टेस्ट के कैंप लगाए गए हैं और साथ ही साथ देखिए लगातार गुरुग्राम का जो स्वास्थ्य विभाग है वो लोगों से सावधानी और सतर्कता
बरतने की अपील कर रहा है। वही देखिए पटौदी के रोड को लेकर हम पहले भी बात कर चुके हैं और लगातार जो है वो दुकानदार मांग कर रहे हैं कि पटौदी का जो रोड है वो बना दिया जाए, क्योंकि देखिए वो सबसे पुराना रोड है और वहां पर जो है वो मेन रोड है। वहां की दुकानदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि दुकान में बिक्री नहीं होती, रोड खराब होने की वजह से जो ग्राहक है वो दुकान पर नहीं आ पाते। इसे लेकर देखिए सभी दुकानदारों ने बीते दिन राव इंद्रजीत सिंह को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने एक लेटर राव इंद्रजीत सिंह को लिखित में एक लेटर दिया है जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि जो लोग हैं जो दुकानदार हैं उनकी कमाई हो सके और यहाँ से लोगों को आने जाने में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि देखिए पहले भी हम ये जो है अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं, पहले भी ये मैं बता चुकी हूँ, यहाँ पर रोड की हालत बहुत ज्यादा खराब है जिससे दुकानदारों को तो देखिए परेशानी होती ही होती है, लेकिन जो आने जाने वाले लोग होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, जो बच्चे होते हैं, उन्हें खासकर जो है काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसे लेकर देखिए लगातार ये लोग मांग कर रहे थे, इन लोगों ने सड़कें जाम भी की, धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं की गई। और अब इन लोगों ने बीते दिन राव इंद्रजीत सिंह से ये लोग मिले हैं और देखिए जो मांग है इन लोगों ने उनके सामने रखी है और राव इंद्रजीत ने ये आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द ये काम जो है वो पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ देखिए आधार कार्ड की अगर मैं बात करूं तो गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने अपील की है कि जिस भी व्यक्ति का आधार कार्ड 10 साल तक अपडेट नहीं हुआ है, अपडेशन में 10 साल का डिले हो गया है, वो जल्द से जल्द आधार कार्ड अपडेट करा ले। अभी आधार कार्ड के जो कैंप है अपडेशन के जो भी अपडेट कराने के लिए वो गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में लगाए गए हैं और इसकी जानकारी गुरुग्राम के डीसी ने अपनी वेबसाइट पर दी है। और देखिए वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि जिन लोगों ने भी आधार कार्ड अपडेट नहीं कराए हैं वो जल्द से जल्द आधार कार्ड अपडेट कराए, क्योंकि निगम चुनाव आने हैं और दूसरे चुनाव जब आएंगे तो आधार कार्ड की बहुत जरूरत होती है। इसी को लेकर जो है ये फैसला लिया गया है और गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में कैंप लगाए गए हैं ताकि लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। जी मोनू, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आप कोरोना के बढ़ते मामलों का जिक्र कर रहे थे तो लोगों का क्या कुछ रुझान है वहां पर, क्या लोग सतर्कता बरत रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो महकमे हैं वो तो कहीं ना कहीं एहतियात बरत रहे, लेकिन आम जन जनता की बात की जाए तो लगातार जो है वो जो है इन जो गाइडलाइंस जो जारी की हैं उनकी जो अवहेलना जरूर करते नजर आ रहे हैं, लेकिन लगातार जिस तरीके से बात की जाए तो 100 से अधिक जो लोग इकट्ठे होते हैं तो वहां पर कोरोना को लेकर के जो है मास्क जो है सैनिटाइजर या सैनिटाइजर का जो है वहां छिड़काव किया जाएगा, लेकिन लगातार जिस तरीके से बात की जाए तो जो विभाग है वो लगातार जो है इस तरीके के आयोजन जो नेता लोग हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उन रैलियों में उन जो जगहों पर लगातार कोई भी मास्क लगाता हुआ नजर नहीं आ रहा, लगातार इसी वजह से जो लापरवाही है। और गुंजन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल के आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है।